Hello everyone, my name is Riddhi and today in this video we will discuss about intellectual property rights. Intellectual property rights के बारे में जितनी भी चीज़ें हैं वो हम पढ़ेंगे और यहाँ से जितने भी questions बनते हैं वो सारे आज यहाँ पर cover हो जाएंगे, so you need not worry about anything. Okay, start कर देते हैं. तो सबसे पहले intellectual property rights की अगर हम बात करते हैं तो ये है क्या. तो देखो, कभी भी कोई नया इन्वेंशन होता है, कोई नई चीज़ आती है या आपके माइंड में कोई भी नई चीज़ का क्रिएशन होता है तो उसको इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कहते हैं. जैसे कि आपकी लिटरेरी इन्वेंशंस हो गए या आर्टिस्टिक वर्क्स हो गए तो सिर्फ आप ही से बिलोंग करते हैं वो, क्योंकि आपने उसका इन्वेंशन किया है. फिर डिज़ाइन हो गए कुछ, या सिम्बल्स हो गए, नेम्स हो गए, इमेजेस जो हैं यूज़ किए गए हैं अगर कॉमर्स में, ये सब चीज़ें हो गई, उसको कहा जाता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी. अब जो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन है ये इसके अंडर जो है दो कन्वेंशंस ये एडमिनिस्टर करता है. सबसे पहला है पेरिस कन्वेंशन. ठीक है, तो पेरिस कन्वेंशन में क्या कहा गया था कि जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है उसके प्रोटेक्शन के लिए बात करता है कि ये इन इन लोगों को हमने जो है इनके क्रिएशन है माइंड के, ये इन्होंने इन्वेंट की है ये पर्टिकुलर चीज़, तो इनका इनको इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो है, इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी जो है, इनका जो है प्रोटेक्ट किया जाएगा. ठीक है, तो ये चीज़ें जो है इंडस्ट्रियल यूज़ में भी लाई जा सकती है. फिर बर्ने कन्वेंशन है जिसमें लिटरेरी और आर्टिस्टिक वर्क्स जो है उसको प्रोटेक्शन मिलता है. ठीक है, तो ये दो तरीके के कन्वेंशन जो है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ये साइन किए गए, ठीक है, एडमिनिस्टर किए गए हैं. अब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स जो है वो आर्टिकल 27 ऑफ द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स में ये दिए गए हैं. अब इंडिया जो है, अगर यहाँ पर आपकी किसी भी स्टेटमेंट में पूछा जाए कि वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन में इंडिया मेंबर है या नहीं, तो येस डेफिनेटली इंडिया जो है वो मेंबर है इसका. नेक्स्ट इज सीपैम विच इज सेल फॉर आईपीआर प्रमोशन एंड मैनेजमेंट. तो ये जो है वो डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड के अंडर जो है ये काम करता है, जिसमें क्या है कि नेशनल आईपीआर पॉलिसी जो है उसको आप अच्छे से इम्प्लीमेंट कर सको, बस ये इसका एम है. ठीक है, तो ये है पूरा डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड. उन्होंने एक अब ये लॉन्च किया है सिप्रा. सिप्रा इज स्कीम फॉर आईपीआर अवेयरनेस. अब कई लोगों को पता भी नहीं होता कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स ये होता क्या है, उसके बारे में अवेयर कराने के लिए तो ये लॉन्च किया गया है सिप्रा. ठीक है, तो ये बहुत चीज़ें हो जाती हैं इसमें. तो इसका एम क्या क्या है, ज्योग्राफिकल और डेमोग्राफिकल इंक्लूजन है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जो है आईपीआर के बारे में पता लगे कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स होते हैं क्या है. कई लोगों की ऐसी कोई चीज़ें भी होती हैं, उनकी क्रिएशंस होते हैं जिन पर उनको पता नहीं होता कि आईपीआर होता क्या है. ठीक है, तो उसके बारे में अवेयरनेस फैलाने का काम ये करेगा और जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का पूरा प्रोसेस है उसको और सिंप्लीफाई करना, ठीक है, और स्ट्रीमलाइन करना पूरा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के प्रोसेस को, ये उसका काम होगा. देन कमर्शलाइजेशन, एनफोर्समेंट और स्टेक होल्डर से कोऑर्डिनेट करना, ये सब जो है ये काम होंगे इनके. नेक्स्ट इज इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स. अब इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स जो है ये किसके अंडर आता है, ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर ऑफ यूएस चेंबर्स ऑफ कॉमर्स के द्वारा ये इंडेक्स रिलीज किया जाता है. तो इसमें क्या है, इंडिया जो है उसको 44th नंबर पे रैंक किया हुआ है आउट ऑफ 50 कंट्रीज अप टू 43 आउट ऑफ 45 इन फिफ्थ एडिशन. ठीक है, तो ये थोड़ी सी फैक्चुअल चीज़ है जो आपको देखनी पड़ेगी. अब इंडिया ने जो है हाइएस्ट इम्प्रूवमेंट अचीव की है विच इज 25% टू 30%. नेक्स्ट इज WTO के द्वारा जो है ये चीज़ की गई है TRIPS विच इज ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स. तो ये अग्रीमेंट जो है WTO के द्वारा ये निकाला गया है. तो ये अग्रीमेंट ट्रेड रिलेटेड जितने भी एस्पेक्ट्स होते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के, कुछ कुछ चीज़ें होती हैं वो आप यूज़ कर सकते हो. तो ये TRIPS अग्रीमेंट जो है वो साइन किया गया है जिसमें मिनिमम स्टैंडर्ड क्या है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी प्रोटेक्शन के, वो सब यहाँ पर जो है वो मेंशन किया गया है. तो ये रूल्स वगैरह जो है यहाँ बनाए गए हैं WTO के द्वारा. अब ये यूरोगे राउंड था जिसमें ये नेगोशिएट किया गया था, यूरोगे राउंड ऑफ द जनरल अग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड GATT में ये चीज़ जो है ये नेगोशिएट की गई थी बिटवीन 1989 से लेकर के 1919 में. उसके बाद जो दोहा डिक्लेरेशन है विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दोहा डिक्लेरेशन जो था TRIPS अग्रीमेंट में और पब्लिक हेल्थ का, ये WTO मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस 2001 में ही अडॉप्ट किया गया था, जिसके द्वारा ये कहा गया था कि TRIPS की जो है फ्लेक्सिबिलिटी को रीअफर्म किया गया था कि आप ज़्यादा अच्छे से जो एसेंशियल मेडिसिन है वो आप जो है आपको और अच्छे से उसका एक्सेस मिल पाएगा.
ठीक है, क्योंकि मेडिसिन्स वगैरह भी अगर आप इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के अंदर आ जाती हैं तो क्या होता है, कभी कभी मेडिसिन्स लेना जो है वो डिफ़िकल्टी आती है उसमें, अगर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स में आ जाती है तो आपको जो है वो चीज़, आपको असेंशियल मेडिसिन जो है वो उसका बेटर एक्सेस मिलेगा। इंडिया जो है वो एक एक्टिव मेंबर है जो कि थर्ड वर्ल्ड की वॉइस को रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ IPR। अब अलग अलग टाइप्स के IPR होते हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स भी अलग अलग तरीके के होते हैं। सबसे पहले पेटेंट की अगर हम बात करते हैं तो देखो क्या होता है, कभी भी कोई एक पर्टिकुलर, मान लो एक प्रोडक्ट, अब इस प्रोडक्ट का जो है ये इन्वेंशन किया गया है, ये प्रोडक्ट जो है वो इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए भी काम आता है, ठीक है, तो इंडस्ट्री में भी ये चीज़ प्रोडक्ट यूज़ हो सकता है, ठीक है। एंड इट इज़ नॉन ऑब्वियसनेस और नॉवल्टी, ये सारी कंडीशंस जो है अगर ये प्रोडक्ट मीट करता है कि हाँ भाई अच्छे से काम आ रहा है और ये चीज़ जो है ये नॉन ऑब्वियस चीज़ है एक, है ना, कि आप जो है वो बिल्कुल यूनिक एक चीज़ है, तो क्या पेटेंट जो है ऐसी इन्वेंशन को ग्रांट हो जाती है कि हाँ भाई ये नया प्रोडक्ट आया है, ये प्रोसेस है जो कि ये पूरा इंडस्ट्रियल यूज़ में भी आ सकता है, तो पेटेंट इसको ग्रांट कर दिया। इंडिया में पेटेंट ग्रांट कौन करता है, तो पेटेंट ये सब गवर्न किया जाता है, पेटेंट एक्ट 1970 के द्वारा जो है ये गवर्न किया जाता है, जिसको 2005 में अमेंड किया गया टू मेक इट ट्रिप्स कंप्लाइंट। नेक्स्ट इज ट्रेडमार्क। अब ट्रेडमार्क क्या होता है कि एक पर्टिकुलर गुड्स एंड सर्विसेज को आप दूसरी पर्टिकुलर गुड्स एंड सर्विसेज से जब डिफरेंशिएट करते हो, ये निशानी होती है बेसिकली, ट्रेडमार्क लग जाता है। तो ट्रेडमार्क में बेसिकली क्या है कि आपको ग्राफिकली रिप्रेजेंट किया जा सकता है एक पर्टिकुलर गुड्स या सर्विसेज को, कि आप एक गुड सर्विसेज को दूसरे गुड्स ऑफ सर्विसेज से आपने डिस्टिंग्विश किया, उसको अलग कर दिया आपने, ठीक है। अब क्या होता है, ट्रेडमार्क्स जो है इंडिया में दे आर गवर्न बाय ट्रेडमार्क्स एक्ट 1999, ठीक है, और इसको 2010 में अमेंड किया गया था। फिर जो ट्रेडमार्क रूल्स है 2017 के, दैट प्रोवाइड्स फॉर ईज ऑफ फिलिंग फाइलिंग ट्रेडमार्क्स, रैशनलाइज्ड ट्रेडमार्क फी एक्सेट्रा, ठीक है। तो इसमें यही है कि आपके जो है आप ट्रेडमार्क्स के लिए आसानी से फाइल कर सकते हो, बहुत लंबे प्रोसेस से आपको नहीं जाना पड़ेगा, तो ये सब चीज़ें यहाँ पर बात की गई है, ठीक है। अब जो वेल नोन ट्रेडमार्क्स है, ये पहली बार मोडालिटी जो है फॉर डिटरमाइनिंग द वेल नोन ट्रेडमार्क्स सबसे पहली बार इंट्रोड्यूस की गई है। कॉपीराइट की बात करते हैं, अब नेक्स्ट आ जाता है कॉपीराइट। तो जैसे अब जैसे लिटरेरी हो गए, जैसे आप भी UPSC कोई कोई चीज़ें पढ़ते होंगे, तो कुछ बुक्स पढ़ते हो, तो उसमें ये है कि आप ये बुक का कंटेंट जो है आप दूसरी जगह पर ये कंटेंट आप यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है, तो ये चीज़ें होती हैं, तो अगर ना कॉपीराइट इश्यूज़ हो जाते हैं, है ना, तो कॉपीराइट वो चीज़ हो जाती है। तो अगर आपकी लिटरेरी वर्क्स हो गए, ठीक है, तो ये लॉ होता है बेसिकली कि एक लॉ के द्वारा जो है कॉपीराइट एक आपको एक राइट दे दिया गया है, लॉ में, ड्रामेटिक म्यूजिकल आर्टिस्टिक वर्क्स में, और जो प्रोड्यूसर्स होते हैं सिनेमाटोग्राफ फिल्म्स के साउंड रिकॉर्डिंग्स में, ये कॉपीराइट इश्यूज होते हैं, ठीक है। तो ये राइट जो है बेसिकली जो भी क्रिएटर होता है, कोई भी पर्सन ने अगर एक पर्टिकुलर कंटेंट बनाया है तो उस पर्टिकुलर क्रिएटर को के पास ये राइट होते हैं रिप्रोडक्शन के, कम्युनिकेशन के टू द पब्लिक, अडेप्टेशन एंड ट्रांसलेशन ऑफ द वर्क, ठीक है, अडेप्ट कर सकता है, ट्रांसलेट कर सकता उस वर्क को। कॉपीराइट्स इंडिया में कौन गवर्न करता है, कॉपीराइट्स एक्ट 1957। नेक्स्ट इज डिज़ाइन। अब डिज़ाइन क्या होता है, ये भी एक टाइप का जो है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होता है, कि एक इंडस्ट्रियल डिज़ाइन जो है, कभी भी आप एक इंडस्ट्रियल डिज़ाइन बनाओगे तो उसमें क्या होता है कि आपकी जो शेप होती है किसी भी चीज़ की, ठीक है, आपका कोई भी क्रिएशन है उसका जो शेप हो गया, कन्फिग्रेशन हो गया, या उसका पैटर्न हो गया, या कलर्स कॉम्बिनेशन जो आपने यूज़ किया हुआ है उसमें वो चीज़ हो गई, या कॉम्बिनेशन ऑफ पैटर्न्स एंड कलर हो गए थ्री डायमेंशनल फॉर्म में विच कंटेन्स एस्थेटिक वैल्यू, ठीक है, तो ये एक आपकी अलग क्रिएशन हो गई, या वो चीज़ को अगर आप कॉपी नहीं कर सकते तो डिज़ाइंस जो होते हैं इंडिया में वो भी गवर्न किए जाते हैं बाय दी डिज़ाइंस एक्ट 2000। तो डिज़ाइंस एक्ट 2000 के द्वारा ये गवर्न किए जाते हैं। अगला टाइप होता है ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कि ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस क्या होता है कि जब भी कोई चीज़ जो है नेचुरली आती है, कोई भी एक नेचुरल फॉर्म में कोई चीज़ अवेलेबल है, या फिर मैन्युफैक्चर्ड गुड है ऐसा, जो कि ज्योग्राफिकल लोकेलिटी एक पर्टिकुलर जगह पे ही मिलती है ये चीज़, ठीक है। जैसे मैं कोई भी चीज़ की बात करती हूँ कि भाई अगर आपको कोचिंग लेनी है तो आप दिल्ली ही आओगे, ठीक है,
तो वो ज्योग्राफिकल इंडिकेशन जो है वो एक चीज़ हो गई। ये जस्ट एग्जांपल, ऐसा कुछ वो है नहीं, बट इट जस्ट एन एग्जांपल। तो ये जो है एक कलेक्टिव राइट होता है, तो एक ज्योग्राफिकल लोकेलिटी जो है उसको इंडिकेट करता है, तो ये चीज़ होती है। जो ज्योग्राफिकल इंडिकेटर्स होते हैं दे आर प्रोटेक्टेड सुई जेनरस, मतलब कि ये एक अपने ही तरीके के होते हैं, दे आर ऑफ इट्स ओन काइंड और जेनस, ठीक है। तो ये एक अपना अलग यूनिक चीज़ होती है अपनी, ठीक है, जो अपनी जगह को रिप्रेजेंट कर रही होती है। तो ज्योग्राफिकल इंडिकेटर्स जो होते हैं इंडिया के, वो ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस एक्ट 1999 के द्वारा ये जो है वो गवर्न किए जाते हैं। कंट्रोलर जनरल ऑफ पेटेंट्स डिजाइंस एंड ट्रेडमार्क्स जो है, ये पर्टिकुलर जो एक्ट है ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस एक्ट 1999, इसको एडमिनिस्टर करता है। अब इट इज़ कंप्लाइंट विद द WTO ट्रिप्स, जो मैंने आपको बताया था, ठीक है, ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, तो उसके कंप्लाइंट है, तो ऑलमोस्ट सारे ये कंप्लाइंट हैं। ओके, अब जो ज्योग्राफिकल इंडिकेटर है ये जो है पेरिस कन्वेंशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी, ये उसके अंदर कवर होता है। नेक्स्ट इज प्लांट ब्रीडर्स राइट्स और प्लांट वैरायटी राइट्स। तो प्लांट्स की भी अलग अलग वैरायटीज होती है, एक जगह पर एक पर्टिकुलर प्लांट पाया जाता है, वो यूनिक होती है उनकी क्वालिटी, तो उनके भी राइट्स होते हैं। तो ये एक ऐसे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स होते हैं कि एक पर्टिकुलर ब्रीडर हो गया, मॉडिफाइड वैरायटी हो गई एक प्लांट की, उसको ये ग्रांट किए जाते हैं। तो ब्रीडर जो है उसको एक्सक्लूसिव राइट मिलता है उसके कल्चर का, हार्वेस्टिंग मेथड जो होते हैं उसके, मार्केटिंग होते हैं उसको नंबर ऑफ ईयर्स के लिए, ये एक्सक्लूसिव राइट जो है वो ब्रीडर को दिए जाते हैं कि ठीक है अब आपको जो है ये पर्टिकुलर प्लांट के लिए एक्सक्लूसिव राइट मिल गए। अब जो है इसको गवर्न कौन करता है, इंटरनेशनल कन्वेंशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ न्यू वैरायटीज ऑफ प्लांट्स और UPOV कन्वेंशन 1961 के द्वारा ये गवर्न किए जाते हैं। नेक्स्ट, इंडिया में जो है ये कौन गवर्न करता है, तो प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वैरायटीज एंड फार्मर्स राइट्स एक्ट 2001 के द्वारा ये गवर्न होते हैं। अगेन WTO ट्रिप्स अग्रीमेंट जो है वो क्या कहता है कि जो भी मेंबर्स हैं उनको प्रोवाइड करना पड़ेगा इन प्लांट वैरायटीज़ को, एक प्रोटेक्शन जो है वो प्रोवाइड करनी होगी। तो ज़्यादातर जो कंट्रीज होती हैं वो UPOV कन्वेंशन के द्वारा ही ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर देती हैं, जो कि कंप्लायंट लेजिस्लेशन जो भी होगा उसका, तो उसके द्वारा जो है वही रूल फॉलो हो जाते हैं। और इंडियन लॉ जो है उसके दैट हैज़ बीन रिजेक्टेड बाय द UPOV काउंसिल ड्यू टू नॉट मीटिंग द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द ट्रीटी। तो UPOV काउंसिल के द्वारा, तो WTO ट्रिप्स अग्रीमेंट के द्वारा ये कंप्लायंट नहीं है पर्टिकुलर चीज़, क्योंकि इंडियन लॉ जो है वो सारी रिक्वायरमेंट जो है ट्रीटी की वो नहीं पूरी कर पाता है। अब इश्यूज़ क्या क्या हैं IPRS के बारे में अगर हम बात करते हैं, तो कौन कौन से इश्यूज़ हैं इससे रिलेटेड। सेकेंडरी पेटेंट्स और पेटेंट एवरग्रीन। सेकेंडरी पेटेंट होता क्या है, तो देखो बहुत सारे ऐसे तरीके होते हैं जहाँ पर जो पर्टिकुलर पेटेंट होल्डर होता है वो उन पेटेंट लॉज जो ऑलरेडी बनाए गए हैं उसमें कुछ कुछ लूप होल निकालने की कोशिश करता है, ताकि हम ये लूप होल जो है वो निकाल के उसको एक्सप्लॉइट कर सके और हम जो है अपनी चीज़ ये वाली जो है वो यूज़ कर सके। तो ये सेकेंडरी पेटेंट उसको कहा जाता है कि ये जो लूप होल निकालने की कोशिश करता है ना ओरिजिनल पेटेंट लॉ में, उसको कहा जाता है। तो Section 3D जो है ये क्या बात करता है, जब भी एक मेडिसिन जो है इज़ मेयरली अ वेरियंट ऑफ अ नोन सब्सटेंस, तो एक पर्टिकुलर मेडिसिन हो गई वो एक पर्टिकुलर नोन सब्सटेंस, कोई भी एक पर्टिकुलर सब्सटेंस है इसका, ठीक है, तो उसका ही एक वेरिएंट है, तो उसी के तरीके की एक मेडिसिन हो गई, एक कॉपी हो गई बेसिकली। तो सेक्शन 3D जो है वो इट नेसेसिटेट्स अ डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ इम्प्रूवमेंट इन इट्स थेरापेटिक एफिकेसी, ठीक है। अब ये प्रोविजन जो है इट ऑल्सो बार्स पेटेंट्स फॉर न्यू यूजेस एंड न्यू प्रॉपर्टीज ऑफ नोन सब्सटेंसेस। अब ये पर्टिकुलर सब्सटेंस जो है अब ये यूनिक क्वालिटी हो गई उस पर्टिकुलर मेडिसिन की, तो अब आप ये पर्टिकुलर सब्सटेंस को आप यूज नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये नोन सब्सटेंस जो है आप उसको नए यूज काम में नहीं ला सकते, ठीक है। तो ये आपका, क्योंकि उस पर्सन को पेटेंट मिला हुआ है उस पर्टिकुलर एलिमेंट के लिए। नाउ व्हाट इज कंपल्सरी लाइसेंसिंग। कंपल्सरी लाइसेंसिंग बेसिकली होती क्या है, तो देखो जब भी ये गवर्नमेंट ये कहती है किसी और पर्सन को, मान लो कि अभी ये पर्टिकुलर पर्सन है, इसके पास जो है वो एक पेटेंट है, ठीक है। अब ये एक दूसरा पर्सन आ गया, ठीक है, जिसके पास ये पेटेंट जो है वो नहीं है, ठीक है, ये दूसरा पर्सन आ गया, तो
तो अगर गवर्नमेंट जो है इस दूसरे पर्सन को कहती है कि तू इसका वाला जो पेटेंट है ये तू प्रोड्यूस कर, ठीक है, तो ये चीज़ जो होती है कि आप ये पेटेंट प्रोडक्ट या तो आप कोई और पर्सन जो है वो प्रोड्यूस कर रहा है, या जो प्रोसेस है वो पेटेंट ओनर की परमिशन के बिना ही ये प्रोड्यूस किया जा रहा है, या फिर जो भी पेटेंट प्रोटेक्टेड इन्वेंशन हुई है उसको यूज़ किया जा रहा है, तो ये आपका जो है कंपलसरी लाइसेंसिंग में आ जाता है, ठीक है। तो इसको जो है ये WTO के द्वारा ये अंडर आता है ये, एंड इट इज़ डिफाइंड इन द नेशनल मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी एंड सेक्शन 84 ऑफ इंडियन पेटेंट्स एक्ट। नेक्स्ट इज ट्रिप्स प्लस। ट्रिप्स प्लस क्या होता है, जो भी फ्लेक्सिबिलिटीज है ट्रिप्स में उसको रिड्यूस करने की बात करता है, ताकि और ज़्यादा स्ट्रेंथन और स्ट्रांग हो जाए IPR, ठीक है, उसके बारे में बात करता है। अब देखो डेवलप्ड कंट्रीज जितनी भी हैं वो ज़्यादातर जो अपकमिंग टेक्नोलॉजीज हैं उनको ओन करती है, तो ज़्यादातर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स कहाँ होंगे, उन्हीं के पास होंगे, तो वो ऑब्वियसली ट्रिप्स प्लस प्रोविजंस को जो है वो एडवोकेट करेंगी, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा उनकी चीज़ें रहे, उनको फ़ायदा हो, ठीक है। तो क्रिएशन जो है इसकी एंटी सर्कमवेंशन लॉज की, जो कि डिजिटल राइट्स मैनेजमेंट सिस्टम्स को प्रोटेक्ट करता है अंडर दी वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन ट्रीटी 1996, ये इसका एक एग्जाम्पल है, ठीक है, जिसमें कंपलसरी लाइसेंसेस जो है उसको रिस्ट्रिक्ट किया जाता है, कि गवर्नमेंट जो है वो किसी और पर्सन को ना अलाउ करे कि आप मत यूज़ करो, ठीक है, दूसरे पर्सन का जो पेटेंट हुआ है तो उसकी ओरिजिनल चीज़ को नहीं यूज़ करो, तो कंपलसरी लाइसेंसेस को रिस्ट्रिक्ट करता है। नेक्स्ट इज जीन पेटेंटिंग, जिसको मायरेट जेनेटिक्स देखती है। तो बेसिकली ये इसका थोड़ा सा इशू रहता है कि पेटेंट्स एक्ट में के द्वारा ये कहा गया है कि आप किसी का भी जो ओरिजिनल पर्सन जिसका भी पेटेंट है तो आप उसका जो है सेकेंडरी पेटेंट जो है वो नहीं यूज़ करें, आप कोई और जो है उसका चीज़ जो है वो नहीं यूज़ करता। पर क्या होता है कि जीन पेटेंटिंग के द्वारा क्या कहा गया है कि अगर कोई जीन है किसी का वो आप यूज़ कर सकते हो उस प्रोडक्ट का, ठीक है, तो वो चीज़ अलाउ कर दी है पर पेटेंट में, तो ये थोड़ा सा ना हमेशा से ये डिस्प्यूटेड रहा है थोड़ा। अब नेक्स्ट इज पेटेंट एक्सक्लूसिविटी, इसमें अब सबसे पहले देख लेते हैं कि बायो प्रोस्पेक्टिंग एंड बायो पायरेसी। तो देखो बायो प्रोस्पेक्टिंग बायो पायरेसी होती क्या है, तो ये IPR इश्यूज जो हैं जो बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड होते हैं उनको कहा जाता है। तो बायो प्रोस्पेक्टिंग या फिर बायोडाइवर्सिटी प्रोस्पेक्टिंग भी कहा जाता है इसको, ये ऐसा प्रोसेस है तो नेचर का जो बायोडाइवर्सिटी कोई भी इंफॉर्मेशन है तो उसका सर्च करना, सिस्टमेटिक सर्च होता है उसमें, कि कोई भी इंडिजिनियस नॉलेज जो है उसकी उसको इनकॉर्पोरेट अगर उसमें किया जाता है, ठीक है। तो ये जो है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ के लिए या फिर एग्रीकल्चर के लिए, बायो रेमेडिएशन, नैनो टेक्नोलॉजी के लिए भी ये चीज़ें जो है वो काम आती हैं। नेक्स्ट, तो बायो प्रोस्पेक्टिंग जो है उसमें बायो पायरेसी हो सकती है। बायो पायरेसी क्या होती है कि कोई भी अगर इंडिजीनियस फॉर्म्स ऑफ नॉलेज है, ठीक है, उसको आप एक्सप्लॉयट करते हो अपने पर्सनल कमर्शियल पर्पस के लिए, अगर आप उसको एक्सप्लॉयट करते हो, ठीक है, तो जिसमें क्या होता है कि मान लो आप इंडिजिनस फॉर्म्स ऑफ नॉलेज को जो है एक्सप्लॉयटेटिव यूज़ करते हो उसका, या फिर तो बहुत ज़्यादा अगर कोई चीज़ नेचुरल रिसोर्सेज यूज़ किए गए हैं उसको पेटेंट करना, देन अनलॉफुल शेयरिंग ऑफ बेनिफिट्स बाय द पेटेंट होल्डर एंड डेप्रिवेशन ऑफ इंडिजीनियस कम्युनिटीज़। अब बायो पायरेसी के कुछ कुछ एग्जाम्पल्स हैं क्या हैं, जैसे देखो जो बासमती राइस पेटेंट केस है उसमें 2000 में क्या हुआ था, एक US कॉरपोरेशन है राइस टेक, उन्होंने जैसे हमारे जो बासमती राइस है बट उन्होंने भी कुछ कुछ हाइब्रिड जो है बासमती राइस की वो पेटेंट करने का ट्राई किया था, ठीक है। अब इंडियन गवर्नमेंट जो है उन्होंने बहुत सारे इंटरवीन किया, बहुत सारे जो सेवरल क्लेम्स थे उनके पेटेंट के जो कि देवर इनवैलिडेटेड, ठीक है, तो ये चीज़ हो गई थी। फिर नीम पेटेंट केस है जो कि अब क्या हुआ था इसमें कि एक यूरोपियन पेटेंट है वो ये क्लेम कर रहा था 1994 में कि आप जो है फंगल इन्फेक्शन जो है उसको कंट्रोल कर सकते हो अगर आप नीम ट्री के एक्सट्रैक्ट जो है वो यूज़ करते हो, तो उससे फंगल इन्फेक्शन जो है वो कंट्रोल हो जाते हैं। 2000 में क्या हुआ था कि ये जो पेटेंट है इसको अपोज कर दिया गया था इस बेसिस पे कि जो फंगिसाइडल एक्टिविटी है नीम एक्सट्रैक्ट की वो बहुत पहले से इंडियन ट्रेडिशनल मेडिसिन में मानी जाती है, ये पता है ऑलरेडी, तो ये हमारे लिए कोई नई चीज़ नहीं थी, ठीक है, तो ये चीज़ जो है वो ख़त्म कर दी थी, बाहर वालों को बाद में पता लग रहा था। अब कुछ कुछ करंट अफेयर्स हैं, तो नेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट
पॉलिसी जो है इसका 2016 में, इसके द्वारा क्या कहा गया है। तो ये नई जो आईपीआर पॉलिसी है वो उसका स्लोगन ये था, क्रिएटिव इंडिया इनोवेटिव इंडिया। इसके फीचर्स क्या हैं कि वो एक तो डब्ल्यूटीओ अग्रीमेंट जो है ट्रिप्स का, ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ आईपीआर, इससे कंप्लायंट है, ठीक है, पूरे पूरे रूल्स उसके फॉलो कर रहे हैं, सारे जितने भी रूल्स हैं वो सारे रिक्वायरमेंट्स मीट करती है, ठीक है। DIPP विच इज़ डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन जो है इसकी नोडल एजेंसी है। पॉलिसी जो है हर 5 साल में इसको रिन्यू कर की जाएगी, स्टेक होल्डर जितने भी हैं उनसे कंसल्ट करने के बाद फिर ये जो पॉलिसी है वो कंपल्सरी लाइसेंसिंग जो है CL प्रोविजन उसको रिटेन करती है इन स्पाइट ऑफ द EU एंड US ऑब्जेक्शंस, क्योंकि वो कहते हैं कि WTO ट्रिप्स अग्रीमेंट से जो है वो दे आर एज इनकन्सिस्टेंट विद दी WTO's ट्रिप्स अग्रीमेंट, ठीक है। तो ये वाली नेक्स्ट चीज़ आ जाती है कि पॉलिसी जो है वो ये सजेस्ट करती है कुछ कुछ इंसेंटिव जो है सजेस्ट टैक्स बेनिफिट्स या फी वेवर जो है वो दिए जाएँ कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट का जो प्रोसेस होता है, IP क्रिएशन जो है उसको और स्ट्रेंथन किया जाए, मेक इन इंडिया को, स्टार्टअप डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव जो है उसको और स्ट्रेंथन किया जाए। तो इसके बारे में जो है ये पूरी IPR पॉलिसीज पे फोकस करती है, इसके बारे में बात करती है। नेक्स्ट इज देखो IPR ये जो पॉलिसी है ये यूटिलिटी पेटेंट्स जो है उनको प्रमोट करती है विद लोअर कंप्लायंस बर्डन एंड शॉर्ट पीरियड ऑफ प्रोटेक्शन। जैसे कि मैकेनिकल इनोवेशंस में जो है वो आपको यूटिलिटी पेटेंट्स को प्रमोट करती है ये, ठीक है। तो जैसे छोटे छोटे से इन्वेंशंस अगर आप करते हो, कोई भी स्मॉल इन्वेंशंस आपके होते हैं तो उसको प्रोटेक्ट किया जाता है, जो कि कुछ ऐसे इन्वेंशंस जो कि इनफॉर्मल या अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स में होते हैं तो उसको भी प्रोटेक्ट किया जाता है, और बेसिकली स्ट्रेंथन करने के लिए इसको, IPR को और प्रमोट करने के लिए। सिप्रा जिसके बारे में हमने बात की थी, स्कीम फॉर IPR अवेयरनेस, ये जो है सिपैम सेल फॉर IPR प्रमोशन एंड मैनेजमेंट के द्वारा ये लॉन्च किया गया है। IPR नानी विच इज़ इट इज़ अ मैस्कॉट फॉर अवेयरनेस जनरेशन, ठीक है। तो IPR नानी जो है बेसिकली एक अवेयरनेस जनरेशन के लिए एक मैस्कॉट ये बना हुआ है। IPRism क्या है कि IPR क्विज कॉम्पिटिशन है स्टूडेंट्स का, और सिपाम के द्वारा किया गया सेल फॉर IPR प्रमोशन एंड मैनेजमेंट, और इंडियन रेजिडेंट्स के लिए ही है ये सिर्फ। ओके, तो इतना ही है हमारा ये वाला IPR का पूरा लेक्चर। तो आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट क्लास।